गाइस, दिस इज योर बॉय अमित अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी केमिस्ट्री को अगले चार महीने में कैसे खत्म कर सकते हैं। और मुझे पता है यार, बोर्ड एग्जाम अभी छह सात महीने दूर है, पर हम यार अपना सिर्फ चार महीने का विंडो रखेंगे क्योंकि तीन चार रीजन है। पहला, चार महीने में केमिस्ट्री हो जाती है। सेकंड, चार महीने बाद यार हमारा दिसंबर आता है, उस टाइम प्री बोर्ड का टाइम होता है। और थर्ड, इस बार जेई मेंस हमारा जनवरी में, तो हम सिर्फ चार महीने का गैप रखेंगे यार, और चार महीने में हमारे चीजें आराम से हो जाएंगी। अब इस वीडियो में जो मैं आपको चीजें बताऊंगा उसको आराम से फॉलो करो, ठीक है? ज्यादा नहीं बताऊंगा, कम कम चीजें, जो भी पॉइंट्स बताऊंगा ध्यान से नोट करो। एक पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसको ध्यान से देखना, और अगर वो चीजें फॉलो करोगे आपके 100 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो नहीं जानते मुझे, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में पूछने वाले हो, इसलिए मैं बता देता हूं पहले कि मैं क्लास 12th में डीपीएसआर के प्रोग्राम में पढ़ता था यार। मैं 2015 बैच का स्टूडेंट हूं। आई स्कोर 95% 95 इन ऑल फाइव सब्जेक्ट्स। राइट नाउ आई एम परसुइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनएसआईटी दिल्ली इन आईटी स्ट्रीम, ठीक है यार? और आप मेरे थर्ड बैच हो जिसको मैं ऑनलाइन गाइडेंस दे रहा हूं, एंड आई नो कि कितना पढ़ोगे तो वो सफिशियंट है और क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है और क्या फालतू की चीजें हैं और क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आप पॉइंट समझ गए, ठीक है यार? तो एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीज बोलने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ का सबसे आसान एग्जाम है, जिसमें आपके आज तक के सबसे ज्यादा नंबर आने वाले हैं, ठीक है? ये फैक्ट है, ये खराब ही नहीं हो सकता। आप इसमें चाह के भी गंदे नंबर नहीं ला सकते, ठीक है? ये सबसे आसान एग्जाम है, बस अब आपको ब्लंडर नहीं करना है। राइट स्ट्रैटेजी, राइट पाथ पे चलते रहो, ठीक है? और राइट पाथ अभी आपको बता देता हूं। अब इस वीडियो में यार मैं हम तीन चार चीजें पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है? पहले मैं आपको बताऊंगा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में यार मैं अज्यूम कर रहा हूं पहली बात कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री को हाथ भी नहीं लगाया, आपने केमिस्ट्री की किताबें भी नहीं खरीदी हैं, तो अब आपको अगले चार महीने में कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। सेकंड, हम बात करेंगे कि हमें पहले फिजिकल पढ़नी है, ऑर्गेनिक पढ़नी है या इनऑर्गेनिक पढ़नी है, ठीक है? और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर चलो एक चीज पढ़नी है तो कहां से पढ़नी है, बुक से पढ़नी है, नोट से पढ़नी है, ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़नी है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले यार, शुरुआत करने से पहले हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन को दिमाग में ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यार आपका केमिस्ट्री 100 नंबर का होता है, ठीक है? उनमें से आपका 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का होता है और जो 70 मार्क्स है वो आपका थ्योरी एग्जाम होता है। उस 70 मार्क्स में से आपका 10 से 12 नंबर का ही सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं और बाकी आपका 55 टू 60 मार्क्स का, ठीक है, आपका सिर्फ थ्योरी आता है, ठीक है? मतलब जो रटने वाला पार्ट है हमारा। तो इसलिए पहली बात, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ उतना ही फोकस करेंगे कि हमारे वो 10 से 12 नंबर हमारे सिक्योर हो जाए। कुछ बच्चे उसके लिए अलग से रेफरेंस बुक पूछते हैं, उससे कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पे यार आप यहां पे देखो, केमिस्ट्री में क्या होता है यार कि सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो लगभग लगभग बराबर वेटेज के होते हैं, ठीक है? जैसे या तो 4 मार्क्स के हो गए या 5 मार्क के हो गए या फिर 4 मार्क के, 3 मार्क के, ठीक है? लगभग सबका सेम वेटेज है, सिवाय एक चैप्टर को देख छोड़ के जो कि है पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि 8 मार्क्स का है, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। और दूसरा हमारा फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि हमारा 6 मार्क का है। इसके अलावा सारे चैप्टर्स हमारे लगभग बराबर वेटेज के हैं। तो मोरल क्या निकला? मोरल ये निकला कि सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज देनी है अगर हमारा गोल 95% स्कोर करना है। जैसे फिजिक्स में मैं बच्चों को कहता था कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑप्टिक्स सबसे पहले पढ़ो क्योंकि वो 14 मार्क्स का आता है, पर केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, लगभग सारे चैप्टर्स बराबर मार्क्स के हैं, तो इसलिए हमें सभी चैप्टर्स को वेटेज देनी है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है यार? अब सबसे पहले हम बात करेंगे यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, अब एक चीज आपको बता दूं यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, ये हमारे टाइम में भी सही था और पिछले 2 साल से भी मैं देख रहा हूं, हर एक क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है वो सीधा एनसीईआरटी बुक में से ऐसे उठाते हैं और आपके बोर्ड क्वेश्चन में ऐसे डाल देते हैं, वैल्यूज तक चेंज नहीं होती। मतलब अगर आपने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो जो चैप्टर हैं उनकी बैक एक्सरसाइज कर ली और इन चैप्टर एग्जांपल कर लिए तो आपके ऑर्गेनिक में आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें, ठीक है? अब मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स बता देता हूं। ऑर्गेनिक हमारी लगभग 25 मार्क्स की आती है 70 में से, ठीक है? इसमें एक हमारा 1 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होगा हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, एक एक हर एक में से। एक हमारा ऑर्गेनिक में से आता है, वो बेसिकली ये क्वेश्चन होगा, या तो आपको 5 नेम रिएक्शन लिखने के लिए बोल देंगे, ठीक है, कि इसका चलो इक्वेशन वगैरह लिखो, या फिर आपको ये बोल देंगे कि चलो भाई एक कंपाउंड ए है, इसमें हमने ये ऐड किया तो बी मिला, बी में ये ऐड करा तो सी मिला, सी में ये ऐड करा डी मिला, डी में ये ऐड किया ई मिला, तो चलो सारे एबीसीडी क्या है वो सब बता दो। इस टाइप का एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपका। और हमारा नॉमन क्लेचर आता है या 2 मार्क्स का, ठीक है? अब जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों को डर इसलिए लगता है क्योंकि उनकी 11th वीक हो रखी होती है, ठीक है? 11th में उनको ऑर्गेनिक उतना नहीं पढ़ाता, बेसिकली नॉमन क्लेचर उनका वीक होता है। तो अगर आपका बेसिक नॉमन क्लेचर वीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है यार, आपको 11th वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। वो आप किसी भी ऑनलाइन या तो यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लो या फिर आप किसी को ट्यूशन पे बुला के 1-2 घंटे 2-3 घंटे में सीख जाओगे, इतना मुश्किल नहीं होता वो,
है, 2-3 घंटे में सीख लो, ठीक है, या फिर आप अपनी 11th के एनसीईआरटी बुक उठाओ और थोड़ा सा पढ़ दो, एक दिन लगा के नोमेनक्लेचर को पढ़ो और समझो पहले, वो जरूरी है ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले, ठीक है। उसके बाद यार हमारा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आता है लगभग 2 मार्क्स का, हमारे जो मैकेनिज्म वाले होते हैं ऑर्गेनिक में वो भी 3 मार्क्स के होते हैं, तो यार ये याद रखना है कि मैकेनिज्म रट के जाने, लोग सिर्फ नेम रिएक्शन रट लेते हैं कि भाई ये इक्वेशन है, एनसीईआरटी में जिन जिन के मैकेनिज्म दे रखे हैं वो मैकेनिज्म हमें भी रट के जाने, क्योंकि एक तो पक्का आएगा, नेमिंग रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, वो भी हमें पता है, ये 3 मार्क का आएगा। अब यार एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हुए, तो वो ये है कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ो, एक सिंगल गो में पढ़ना है, सिंगल गो मतलब एक बार जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी हमने हेलो एल्केन से, तो रुकना नहीं है जब तक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाए, ठीक है, 30-40 दिन एक बार में साथ में दे दो, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते रहो, उसके बाद फिर बीच में फिजिकल और इनऑर्गेनिक मत करो, ठीक है, सिर्फ ऑर्गेनिक करो, क्योंकि इसमें एक फ्लो होता है यार। आपने एक बार हेलो एल्केन्स पढ़ा, उसके बाद अगर आपने 10-15 दिन के गैप के बाद अगर एल्कोहल वगैरह पढ़ रहे हो नेक्स्ट चैप्टर, तो आप भूल जाओगे चीजें, तो बेसिकली यार हमारा लिंक टूट जाता है, ऑर्गेनिक में लिंक जरूरी है। एक बार में पढ़ोगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, अगर बीच में गैप दे दोगे तो वो चीजें उतनी दिमाग में बैठ नहीं पाएंगी, स्ट्रक्चरली बैठ नहीं पाएंगे, तो ऑर्गेनिक एक सिंगल गो में हमें पढ़नी है। अब ऑर्गेनिक को पढ़ने के 2 तरीके हैं यार, ठीक है, और दोनों तरीके से आप 100 स्कोर कर सकते हो। पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, फर्स्ट मेथड है यार कि गो थ्रू द एनसीईआरटी प्रॉपरली, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि सारा पेपर एनसीईआरटी से आता है तो एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है। तो यार मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप जैसे नोट्स बनाते हो, ठीक है, जैसे कुछ बच्चे तो होते हैं यार जो कि सीधा एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेते हैं, ठीक है, मतलब जो सीधा बुक या कोई भी बुक हो उससे सीधा पढ़ लेते हैं, उनको नोट्स बनाने की आदत नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। पर यार मैं वो बच्चा हूं जो नोट्स बहुत बनाता था, ठीक है, मतलब मैं एक बार नोट्स मैंने बना लिए तो मैं इतने डिटेल नोट्स बनाता था कि मेरे को बुक वापस ना खोलनी पड़े, तो वो हर बंदे का अपना होता है, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो स्टेप 1 है यार आपका एनसीईआरटी प्रॉपरली पढ़ो, ठीक है, स्टेप 2 है यार हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब जो लोग नोट्स बनाते हैं वो चीज ये ध्यान रखो कि आप अपनी फर्स्ट रीडिंग में नोट्स मत बनाओ, फर्स्ट रीडिंग जब आप करते हो तो बस रीड करो और हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है, और उसके बाद अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक बार आपने ये सारा कर लिया, रीड कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, अब जब सेकेंड रीडिंग मारोगे ना उस टाइम अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि तब आपको पता है कि यार चैप्टर इतना बड़ा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब पीछे क्वेश्चन करे तो उसमें ये चीजें थी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ऐसे मैं नोट्स बना लेता हूं या बना लेती हूँ, ठीक है। सेकंड रीडिंग में हमेशा नोट्स बनाने, फर्स्ट में आपको पता नहीं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप 3 हमारा वही मेक नोट्स, स्टेप 4 है यार मेक फ्लैश कार्ड्स। अब ये फ्लैश कार्ड्स वगैरह यार हमें रिविजन वगैरह में बहुत हेल्प करने वाले हैं। फ्लैश कार्ड्स बेसिकली क्या होते हैं यार, आप कोई भी A4 साइज की शीट लो और उसमें अपने सारे रिएक्शन लिख लो, मान लो आपने कोई ऑर्गेनिक का एक चैप्टर किया उसमें 15-20 रिएक्शन हैं, तो सारे के सामने आपने छोटे छोटे करके एक पेज में लिख लिया और उस पेज को फोल्ड करके अपनी जेब में रख लो। अब जब भी आप बस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो या स्कूल में कोई फ्री पीरियड है, लंच टाइम वगैरह, तो उस टाइम आप खोल के रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है यार स्टेप 5। स्टेप 5 वो स्टेप है जिसकी वजह से एक बच्चे के 100% आते हैं और उसी सेम बच्चे के 90% आ जाएंगे अगर वो स्टेप 5 नहीं करेगा। तो स्टेप 5 है रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली केमिस्ट्री में, वो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन हमें कैसे करना है यार, मान लो अगर आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा, मतलब चैप्टर मतलब आपने आज नोट्स खत्म कर लिए, उसके सेकंड रीडिंग के बाद आज आपने उसके नोट्स खत्म कर लिए, अब क्या करना है 2 दिन बाद उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। और रिवाइज कैसे करना है, 10% रूल। 10% रूल क्या होता है, मान लो आपने किसी चैप्टर के नोट्स बनाए 20 पन्नों के नोट्स बनाए, अब जब आप रिवाइज करो तो उन 20 पन्नों में से सिर्फ 2 पन्ने ही रिवाइज में लिखने हैं आपको, रिवाइज करते वक्त रफ में बस 2 पन्नों में आपने देख लिया, ठीक है। तो हमें दोनों एक्सट्रीम एंड छोड़ने हैं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि भाई 20 पन्नों के नोट्स हैं तो बस रिवाइज करते वक्त दोबारा 20 पन्ने लिखते हैं, वो भी नहीं करना। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई 20 पन्नों के नोट हैं तो रिवाइज करते वक्त कुछ लिखते ही नहीं, ऊपर ऊपर से रीड कर लेते हैं, वो भी नहीं करना। हमें 10% रूल फॉलो करना है कि 20 पन्ने हैं तो 2 पन्ने हमने रफ में लिख लिए, तो हमारे हाथ को भी याद होता है, इस हैंड की भी मेमोरी होती है और हम फोकस्ड भी ज्यादा होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें अपने सेकंड डे पे रिवीजन करना है, फिर 7 दिन छोड़ के रिवीजन करना है, फिर 2 हफ्ते छोड़ के 14 डेज छोड़ के रिवीजन करना है, फिर 28 डेज छोड़ के। अगर हमने ऐसे 4 रिवीजन कर लिए तो वो चीज हमारे खून में आ जाएगी, ठीक है। कल को आपका ब्लड टेस्ट भी होगा तो आपके ऐसे ही आएगा कि भाई ब्लड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ठीक है। ऐसे कर लोगे तब जाके दिमाग में चीजें बैठेंगे। ये हमारा मेथड 1 था। मेथड 2 ये है कि आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हो। अब वो नोट्स बहुत अच्छे हैं, 2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बहुत अच्छे हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक के अच्छे हैं। इनऑर्गेनिक के ज्यादा अच्छे क्यों है, क्योंकि उनमें हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी है। अब ये जो नोट्स हैं यार ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाओ, अमन दत्तरवाल टाइप करो, अमन दत्तरवाल केमिस्ट्री नोट्स टाइप करो, एंटर मारोगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो एक पर्टिकुलर वीडियो खुल जाएगा, और ये वीडियो खुलने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF की लिंक है, इस पर क्लिक करोगे तो खुल जाएगी, उसको डाउनलोड मारो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो या प्रिंट करके पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, ये नोट्स
बेस्ट नोट्स हैं, इनका कंटेंट सबसे अच्छा है। 1% हो सकता है यार आपको हैंडराइटिंग उतनी अच्छी ना लगे, पर मैंने भी पढ़ा था यार, आपके पिछले 2 साल के जो सीनियर हैं वो भी पढ़ के गए हैं और सबको नोट्स अच्छे लगे हैं। अगर फिर भी आपको चाहते हो कि मैं इन सेम नोट्स को अच्छी हैंडराइटिंग में लिखूं, तो कोई भी एक बच्चा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि वो भी हमें अच्छी हैंडराइटिंग में चाहिए, और सब बच्चे उस पर लाइक करते रहना। अगर 200 बच्चों ने डिमांड किया, ठीक है, मतलब अगर उस पर्टिकुलर कमेंट पे 200 लाइक आ गए, तो मैं अच्छी हैंडराइटिंग में लिख दूंगा, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने के लिए यार मुझे भी 8 से 10 दिन फिर से दोबारा लगाने पड़ेंगे नोट्स लिखने में, तो वो मुझे पहले पता होना चाहिए कि भाई नोट्स बच्चे मांग रहे हैं, ठीक है, 200-300 बच्चे हैं, तभी मैं वो चीज अपलोड कर दूंगा। फिर स्टेप 2 है यार कि डू ऑल द एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो अब आपने एक बार नोट्स पढ़ लिया, नोट्स पढ़ने के बाद हमें एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बैक एक्सरसाइज में से हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सिंपल। स्टेप 3 सेम है यार, मेक फ्लैश कार्ड्स, और स्टेप 4 भी सेम है कि रिवाइज, ठीक है, वो हमें जो 4 रिवीजन करने। अब नेक्स्ट बात करते हैं यार हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर में से लगभग 2 या 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आने वाला है, ठीक है, ये हर साल वैरी करता रहता है, लगभग आपको फरवरी के मंथ में प्रॉपर पता चल जाएगा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आप बता नहीं सकते, बट फेब के मंथ में जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है, ये बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री में से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, या फिर डिफरेंस बिटवीन जैसे लायोफिलिक और लायोफिबिक हो गया, या फिर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन हो गया, या फिर एंजाइम्स और कैटलिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको करने के भी 2 तरीके हैं यार, और दोनों तरीकों से आप 100% स्कोर कर सकते हो। पहला है यार कि आप गो थ्रू द एनसीईआरटी प्रॉपरली, ठीक है, सेकंड वही है हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थर्ड हमारा वही है कि इन सेकंड रीडिंग मेक द नोट्स, ठीक है, वही सेकंड रीडिंग में हमें नोट्स बनाने हैं, चाहे आप शॉर्ट बनाओ या डिटेल बनाओ, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। और स्टेप 4 हमारा वही कि हमें 4 रिविजन करने हैं, ठीक है। बेसिकली मैं अपने टाइम में क्या करता था यार, जो भी मेरा वीक में मैं एक दिन रखता था, जैसे मैं सैटरडे रखता था जिस दिन मैं अपनी सारी चीजें रिवाइज करता था, ठीक है, कि जैसे जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ा उस दिन सैटरडे को रिवाइज कर लिया, तो ऐसे वो चीज थोड़ी दिमाग में रहती है। और बाकी जो जेई मेंस वगैरह के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं यार, उनकी तो चीजें वैसे ही रिवाइज होती रहती है, कोचिंग में इतने सारे टेस्ट होते हैं तो हमारी चीज वैसे ही रिवाइज होती है। फिर बाकी आप स्कूल वगैरह में मंडे टेस्ट इतने देते हो, आपका हाफ ईयरली होता है, आपका प्री बोर्ड्स होता है, तो तब भी चीजें अपने आप 1-1, 2-2, 3-3 रिवीजन तो वहीं पे हमारे ऐड हो जाते हैं। या सेकंड मेथड आप सेम वही कर सकते हो कि आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है, वो नोट्स सही में बहुत अच्छे हैं यार, इसलिए मैं आपको वो सेकंड मेथड बार बार बोल रहा हूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो आप वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। स्टेप 2 नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के सारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने और अंदर के एग्जांपल करने हैं। अब स्टेप 3 पे ध्यान दो यार, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में से हमारे 10-12 नंबर के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, एक तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे, चैप्टर के अंदर जो एग्जांपल्स है वो कर लेंगे, और एडिशनल प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, वैसे तो ऑलरेडी ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, पर एडिशनल प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, पिछले 3 से 4 साल के जो प्रीवियस ईयर हैं उनमें जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो सारे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो उससे हमारी मोर देन इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें कोई भी एडिशनल बुक की जरूरत नहीं है। और लास्ट में स्टेप 4 हमारा वही है यार कि हमें रिवाइज करने हैं 3 से 4 बार, चीज क्लियर। अब बात करते हैं यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली किसी बच्चे को पढ़ना पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा रट्टाफिकेशन है। अब इसको करने के भी यार 2 तरीके हैं, पर मैं आपको सिर्फ 1 तरीका रिकमेंड करूंगा, ठीक है, वो है गो थ्रू माय नोट्स। इसके नोट्स सही में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और इसमें हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो यार, पर मैंने अपने टाइम में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े थे ये, और मेरे तो अच्छे नंबर आ गए थे, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं अगर आप ये सिर्फ नोट्स भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लस जो चीजें एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है वो इसमें एक्सप्लेन है अच्छी तरीके से, तो आप इनको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। स्टेप 2 है यार कि हमें एनसीईआरटी के सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं वही, और थर्ड स्टेप है यार कि सॉल्व एज मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज पॉसिबल फॉर रीजनिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, रीजनिंग के इसमें क्वेश्चंस आते हैं यार, वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक में, तो कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लो यार, ठीक है, मतलब एरिहंत वगैरह की कोई भी आती है जिनमें चैप्टर वाइज होता है, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं रीजनिंग वाले वो सारे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सेम टू सेम रिपीट होते हैं, सेम टू सेम रिपीट होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप नोमेनक्लेचर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आइसोमेरिज्म से पूछा जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछा जाता है, ठीक है। अब हम अपने शेड्यूल के बारे में बात करते हैं यार। अब शेड्यूल हमारा यह है कि हम अपने फर्स्ट जो 3 महीने हैं, ठीक है, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो सबसे पहले यार हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को निपटाओ, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निपटाओ, और लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निपटाओ। इनऑर्गेनिक को मैं लास्ट में इसलिए छोड़ रहा हूं यार, क्योंकि वो रटने वाला चैप्टर, रटने वाले हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर रटने वाले हैं, आप चाहो तो समझ सकते हो, बट वो फिर भी आपको एट द एंड रटने ही पड़ेंगे, तो इसलिए रटने वाली चीज हमें एग्जाम के सबसे पास में पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो तब ज्यादा याद रहती है, ठीक है। आप अभी इनऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो एग्जाम तक भूल जाओगे, पूरा प्रॉपरली ब्लैंक हो जाओगे,
इसलिए उसे अपने लास्ट महीने में पढ़ो, ठीक है, जो हमारा 4 महीने का विंडो गैप है, इसमें फोर्थ महीना जो होगा हमारा उसमें आपको पढ़ना है। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो यार उसका मैंने आपको बता ही दिया, ऑर्गेनिक में हमें प्रीवियस ईयर की ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछते हैं। प्रैफिजिकल में, फिजिकल में हमें सिर्फ 3 से 4 साल के बस प्रीवियस ईयर देखने क्योंकि हमारी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाए। और जो हमारा इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में हमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर देखने हैं जिससे कि हमारे रीजनिंग वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रैक्टिस हो जाए। तो चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर आते हैं यार वो बुक खरीदने की कोशिश करना। लास्ट में यार इसको एक अच्छे नोट पे खत्म करते हैं। केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम, पहली बात तो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम सबसे आसान एग्जाम है और आप सब लोग इसमें फोड़ने वाले हो। हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट तो आने ही नहीं देने हैं। चाहे आपके 10वीं में यार कुछ भी ना आया हो, ठीक है, आपके बहुत गंदे नंबर आए, आपके 11th में भी बहुत गंदे नंबर आए, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, पर उसके बाद भी आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है और आप बहुत कुछ कर सकते हो। जिस बच्चे ने अभी टच भी नहीं किया है वो बच्चा अभी अभी 95% स्कोर कर सकता है अगर कायदे से पढ़े तो। इनफैक्ट 95 में कम बोल रहा हूं यार, वो चाहे तो ऊपर भी स्कोर कर सकता है। और ये मैं कुछ भी एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं आपको मोटिवेट करने के लिए, ये चीज फैक्ट है, ठीक है, ये चीज फैक्ट है। आपके प्री बोर्ड्स में गंदे नंबर आएंगे, आपके स्कूल के नंबर में भी जो टेस्ट है वहां भी गंदे नंबर आएंगे, पर आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, कुछ भी फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, सिंपल सा रास्ता है उसमें बस चलते रहो, रास्ता मैंने आपको बता दिया है। और एट द एंड यार आपकी ही मेहनत है, ठीक है, आपकी ही मेहनत है जो आपको आगे लेके जाएगी, ठीक है। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, बाद में आपको गाड़ी खुद ही चला के लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी आई हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, बाहर का मत खाओ, बीमार मत हो जाना लास्ट के महीनों में, और स्टे पॉजिटिव, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी आई।